गरीबों का मॉल में जाना मना है आज तक मेरे दिमाग में यही चलता रहता था और अपना यही वहम दूर करने के लिए मैं आज जा रही हूँ अपने पूरे परिवार को लेके विशाल मार्ट में पूरा परिवार मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों प्यारे बच्चे और ये मॉल हमारे घर से काफी दूर है जिसके लिए हमें अपने सपनों की सवारी को लेकर जाना पड़ेगा यानी की हमारी प्यारी मोटरसाइकिल और इस समय आप जो ये नज़ारे देख रहे हो हमारे साथ मिलकर यह है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादिया तो इन्हीं खूबसूरत वादियों में पाँच किलोमीटर का सफर तय कर कर हम पहुंच जाते हैं मॉल में और यहां पहुंचते ही सबसे पहले हम अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं मॉल के अंदर तो मॉल के अंदर जाते ही सबसे पहले मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हुई कि इतने बड़े मॉल में हम पहली बार गए हैं पता नहीं कैसे सामान मिलेगा और हमें कैसे देखना पड़ेगा तो थोड़ी देर के बाद ही मेरी घबराहट दूर हो जाती है मेरे बच्चे और मैं तो पूरे मॉल के चक्कर लगाने लगे मैं यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े देख रहा था लेकिन साजिया अपने लिए फरमाइश करती है की मुझे भी ये वाली टी शर्ट दिलवाओ और जैसे ही मैंने साजिया को इस टी शर्ट के दाम था वैसे ही साजा ने रेट सुनते ही मुझे साफ साफ मना कर दिया कि पहले बच्चों के कपड़े लेंगे अपने लिए बाद में हो जाएंगे और उसके बाद हम पहुंचते हैं मॉल की दूसरी वाली मंजिल पर जहां और भी अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम बच्चों के के कपड़े देखने के लिए जहाँ पर हमें एनू के लिए एक सुंदर सी टी शर्ट और एक पैंट पसंद आती है लेकिन जयान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं वो तो बस अपने खेलने में मस्त था और मैंने पिछले पाँच साल से अपने लिए कोई पजामा नहीं खरीदा था यानी के लोवर इसीलिए मैं की भरपूर फरमाइश पे अपने लिए लोअर खरीदता हूँ इससे पहले मैं फटे पुराने पजामों में ही घूम रहा था उसके बाद मेरी नजर पड़ती है जींस के डिपार्टमेंट में जहाँ पर मैं पहुँच कर अपने लिए जींस देखता हूँ लेकिन मुझे खरीदनी नहीं, नहीं है सिर्फ देखनी ही थी और थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे नजर आते हैं कच्छे जिसे मैं पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करता इसे तो बस मेरा भाई पहनता है और वो ही खुश रहता है इन्हें पहन के उसके बाद प्लास्टिक की एक कंडी में अपने लोअर को रख के हम पहुंच जाते हैं मॉल की तीसरी वाली मंजिल पे और इतने बड़े मॉल में जाने के बाद आपके हाथ में खरीदा हुआ कोई सामान होना हो लेकिन प्लास्टिक की टोकरी होनी बहुत जरूरी है अब देखना ये की इस टोकरी में हम कुछ लेते भी है या खाली टोकरी को ही लेकर बिल के काउंटर पे हमें जाना पड़ेगा आपके खरीदने के लिए इस मॉल में लगभग सारे सामान मौजूद होते हैं कपड़ों से लेकर रसोई में यूज होने वाले सामान तक लेकिन साजिया और मैं ठहरे गरीब से कपड़े जो कि आज तक इतने बड़े मॉल में नहीं आए थे क्योंकि इससे पहले हमारी खरीदारी अपने बिजनौर के बुध बाजार और नजीबाबाद के जुमरात बाजार से हो जाती थी हालांकि हमारे नजीबाबाद में भी विशाल का मॉल मौजूद है लेकिन हम आज तक उसमें भी कभी नहीं गए थे क्यूँकी हम तो अपनी जरूरत का सामान अपने आसपास की छोटी मोटी दुकानों से ही खरीद लेते थे मॉल की तीसरी वाली मंजिल पर जाने के बाद हमने तो कुछ खास नहीं खरीदा लेकिन हमारे बच्चों ने कहा पूरी टोकरी खाली है इसे हम भरते हैं तो जयान का ये हाल देख कर, उसके पापा को तो इतनी हंसी आ रही थी जयान को किसी चीज ऐसी कोई मतलब नहीं इस पे कितना रेट है बस उसे सारे खिलौने घर लेकर जाने हैं और हमारी बेटी अनाया को इतने खिलौने में से सिर्फ एक ही खिलौना पसंद आता है जिसे लाकर वो बड़े प्यार से इस टोकरी में रख देती है तो हमने तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और बच्चों ने पूरी टोकरी को सामान से भर दिया और उठाकर चल दिए टोकरी भर जाने के बाद भी बच्चों को अभी और खिलौने चाहिए क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं तो बच्चे सिर्फ अपने लिए चीजें ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए क्या है और हमें नया क्या मिलेगा तो मेरे हस्बैंड गाँव जाने के लिए पहिए वाला बैग देखते है लेकिन रेट सुनते ही चक्कर आ जाता है लेकिन यहाँ पर हम अनाया के लिए एक स्कूल बैग खरीदते हैं क्यूँकी अनाया जो स्कूल में लेके जाती है वो वाले बैग की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके बाद में घर के लिए नमकीन बिस्किट देखने लग जाती हूँ जो बच्चों के साथ मुझे भी बहुत पसंद है और पूरी खरीदारी करने के बाद घर जाने से ज्यादा खुशी मुझे लिफ्ट में जाने की थी और लिफ्ट में सवार होकर हम चारों पहुँच जाते हैं सबसे नीचे वाली मंजिल पर जहाँ पर हमें इस टोकरी का पूरा बिल कटवाना है और अब नीचे बिल बनवाने का नंबर भी आ गया था लेकिन मेरे दिल में धक धक हो रही थी की आज हस्बैंड जी के जेब ऐसी कितने पैसे जाने वाले है तो पूरे पचास हजार की शॉपिंग न करके हमने सिर्फ पंद्रह सौ की शॉपिंग की जिसमे मेरे हस्बैंड के दो लोवर और का स्कूल बैग और हमारे खाने के लिए नमकीन बिस्किट पहली बार मॉल से शॉपिंग करने के बाद तो मेरी ही बदल गई तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना और लाइक तो जरूर कर देना